अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं टू सेटअप वेरिफिकेशन कोड के बारे में, ये किस तरह से हम इसको अनेबल कर सकते हैं और इसको अनेबल करने का बेनिफिट क्या है। इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिलने वाली है, आप लोगों ने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं हूं फ्रॉम शिदाद और आप देख रहे हैं फ्रॉम टेक्निकल। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसको वेरीफाइड क्यों करते हैं। तो ये दरअसल एक गूगल की सिक्योरिटी है। इससे क्या होता है, आपका जो गूगल अकाउंट बना हुआ है, जो आपकी जीमेल आईडी है, ये एक सिक्योर हो जाती है। आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा सिक्योर हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इससे जो आपकी जीमेल आईडी है उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खुद किसी और डिवाइस में इसको इनेबल करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, तो ये फिर भी वेरिफिकेशन करेगा कि क्या ये आप हैं। तो आप जब उसको यस करेंगे तो तभी ये आपका कोड, आपकी जो जीमेल आईडी है, कहीं और पे लॉगिन आप कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट है बहुत ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन में, और स्क्रीन में आने के बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपकी प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अकाउंट आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। और अब यहाँ पे सारे अकाउंट आ चुके हैं जो आपके बने हुए हैं। तो आप लोगों ने वो चूज़ कर लेना है जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं। इस तरह से ओपन होगा और अब आप लोगों ने क्लिक करना है गूगल अकाउंट के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आप लोगों ने आगे इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। और नीचे आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन जो ऑफ है, इसको ऑन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको जस्ट वंस करना है और ओपन विद क्रोम ब्राउज़र इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों ने अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, जो आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड है, और नेक्स्ट कर देना है। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल ऐड कर देना है मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं हाउ डू यू वांट टू गेट कोड, आप किसके ज़रिए कोड हासिल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैसेज करता हूँ और यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। सिंपली जैसे इसको सेंड करेंगे तो आपके सामने एक कोड आएगा, एक मैसेज के थ्रू आपको एक कोड मिलेगा। जो आप कोड रिसीव करेंगे वो सिंपली आप लोगों ने इधर इंटर कर देना है। ये कोड आ चुका है, मैं अब ये कोड यहाँ पे इंटर करूँगा। तो इस तरह से कोड दे देना है और सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टू सेटअप वेरिफिकेशन, यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है, टर्न ऑन स्टेप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। तो अब आप लोगों ने टर्न ऑन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो तो ऑन हो चुकी है, लेकिन इसका बैकअप जो कोड है वो ज़रूरी है लेना। तो इसके लिए बैकअप कोड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो पासवर्ड यहाँ पे टाइप हो चुका है और सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट बैकअप कोड्स, आप बैकअप जो कोड्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए गेट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इतने सारे आपको कोड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, डाउनलोड कोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर दूँगा। तो इन कोड्स का बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई भी आपकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर देता है, आपका पासवर्ड ले लेता है, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप इनमें से कोई भी कोड, जो भी आपके इनमें से कोड आप अप्लाई करेंगे तो इससे आप अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है। तो अब हम बैक आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये अकाउंट है ये हो चुका है, जो
टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो इसका जो वेरीफाइड अकाउंट हो चुका है कि नहीं, इसके लिए बैक आना है। बैक आने के बाद आप आइकन देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा आना है सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से ये कंप्लीट मेथड हो चुका है। तो मेथड बहुत ही आसान है, इस तरह से आप भी अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के ज़रिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।